डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऑटोमेटिक टेबल कैसे बनाते हैं। देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू लिखता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे टू का टेबल ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेन लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे टेन का ऑटोमेटिक टेबल बन रहा है। मतलब जो भी मैं यहाँ लिखता हूँ सिक्सटी लिखता हूँ तो सिक्सटी का टेबल ऑटोमेटिक बन रहा है। जितना का यहाँ मैं टेबल लिखते जाऊँगा, हंड्रेड लिखा, देख सकते हो हंड्रेड का टेबल यहाँ पे बन गया है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक टेबल कैसे बनाना है, जितना का टेबल लिखना है यहाँ पे, जितना का, जैसे मैं लिखा 23 का, इंटर किया, तो जितना का आप लिखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल जनरेट होगा। 100 का लिखोगे 1000 का, जितना का लिखोगे ऐसे आपका टेबल जनरेट होता जाएगा। बस इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है तो इसका आंसर आपका आएगा। देख सकते हो यहाँ पे सभी का टेबल जनरेट हो गया है, बड़ा करोगे तो इसका आंसर इस तरीके से दिखेगा। तो समझिए आप लोग इस तरीके से टेबल कैसे बनाना है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो को, हम लोग टेबल कैसे बनाना है समझते जाते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लीजिए आप लोग। एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ से आना है, देख सकते हो हमने क्या लिखा है। यहाँ से मैं टू लिख देता हूँ, यहाँ से टू और इंटर करता हूँ, ये टू लिखा मैं। देख सकते हो कितना सेल को लिया गया है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच सेल को हमने लिया है। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बीच में, यहाँ पे सबसे पहले मैं टू ले लेता हूँ, फिर उसके बाद क्या था हमारा इंटू का सिम्बल था, इंटू ले लेता हूँ, एक्स बटन प्रेस कर देना है, फिर उसके बाद क्या लेना था, वन लेना था, वन ले लिया मैं। उसके बाद आपको इक्वल टू लेना है और इंटर करना है। ध्यान रहे जब भी आप लोग एम एस एक्सेल में इक्वल टू लेते हो और माउस से क्लिक करोगे ऐसे करके तो आपको नहीं होगा, एक्सेल समझेगा कि फॉर्मूला निकाला जा रहा है तो आप इक्वल टू नहीं लिख पाओगे। तो जब भी एम एस एक्सेल में इक्वल टू लिखना है क्या करना है आपको, इक्वल टू लिखने के लिए इस इक्वल टू लिखना हो इंटर बटन दबा देना है तो आपको इक्वल टू आ जाएगा। फिर उसके बाद इसी इक्वल टू हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से क्या लिख लेना है, इस इक्वल टू लेना है और दोनों को इंटू कर देना है। ये वाले को सिलेक्ट करना है, इंटू कर देना है किसको, ये वाले को, और इंटर कर देना है, आपका आंसर टू आ गया। तो समझ गए यहाँ तक कैसे किए, इतना प्रोसेस करना है। फिर से बताते हैं, इसको इस इक्वल टू किए, फिर उसके बाद ये टू को सिलेक्ट करना है, इनटू करना है, किसको सिलेक्ट करना है, वन को सिलेक्ट करना है और इंटर कर देना है। देख सकते हैं हमारे पास टू आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, इसी टू को, और इसको क्या करते हैं हम लोग, ये वन लिखा है टू लिखा है, इसको टेन तक जाने देंगे क्योंकि टेन तक टेबल निकालना है। वन टू लिखे, दोनों को सिलेक्ट किए और हम लोग कहाँ तक जाने देंगे, इसको टेन तक, टेन तक, और इसको भी यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक। तो देख सकते हो यहाँ पर जीरो जीरो आ गया है, फिर इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं, ये देख सकते हो। अब इतना को लिखने के बाद एक्स को भी क्या कर देते हैं हम लोग, इतना को मैं इसको एक्स को क्या किया, सिलेक्ट किया कंट्रोल सी से कॉपी, अब पूरे मुझे एक्स चाहिए, इतना को सिलेक्ट किया मैं और यहाँ से कंट्रोल भी बटन दबा दिया। देख सकते हो सभी डाटा मेरा यहाँ पे आ गया, फिर सभी को मैं सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद सभी डाटा को सेंटर सेंटर में रख देना है। देखो सभी डाटा को सेंटर में रख दिया, फिर उसके बाद बोल्ड पे क्लिक कर देना है और थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज को बढ़ा लेना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, देख सकते हो यहाँ पर, तो ये हो गया। फिर इतना डाटा को आपको सिलेक्ट करना है जहाँ तक आपने निकाला है, सिलेक्ट करना है, इसी डाटा को क्या लगना है, यहाँ से थिक बॉर्डर पे आना है, थिक बॉर्डर पे क्लिक कर देना है और मार्जिन सेंटर पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका। और यहाँ पे हमारा हेडिंग है ऑटोमेटिक टेबल, ऑटोमेटिक टेबल, ऑटोमेटिक टेबल लिख देना है आपको, ऑटोमेटिक टेबल लिख दिया मैं क्योंकि ऑटोमेटिक टेबल बना रहा है इसलिए ऑटोमेटिक टेबल। फिर इसको सेंटर, और ये दोनों सेंटर ऑन कर दिए यहाँ से ये वाला, फिर उसके बाद बोल्ड बटन पे क्लिक किए और यहाँ से हमने ऑटोमेटिक टेबल को इस तरीके से बड़ा कर दिया। फिर यहाँ से इसका कोई कलर दे देना आप लोग, जो कलर चाहते हो आप लोग अपने अकॉर्डिंग। फिर इसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉलम यहाँ पे मुझे लिखना है, एक कॉलम मैं छोड़ देता हूँ, एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ, रो ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, कंट्रोल प्लस बटन दबा दिया तो एक रो हमारा ऐड हो गया यहाँ से, और इसका मैं कलर थोड़ा सा हटा के नो कलर कर देता हूँ, यहाँ से नो कलर, आप कैसे भी है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ये। फिर उसके बाद दो सेल को ऐसे, इसमें का तीन सेल को सिलेक्ट करना है और इसको मार्जिन सेंटर कर देना है। तीन सेल को सिलेक्ट करने के बाद थिक बॉर्डर पे क्लिक करना है, फिर दो सेल को सिलेक्ट करना है, मार्जिन सेंटर करना है, ये वाले पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ पे लिख देना है टेबल नंबर, टी ए बी एल ई टेबल, यहाँ पर लिख देना है नंबर। देख सकते हो फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, तो फॉन्ट साइज मुझे छोटा रखना है, ये थोड़ा सा यहाँ तक, ये टेबल नंबर हो गया। इसी का सेम कॉपी, इसी को फॉर्मेट, इसका मैं कोई कलर दे देता हूँ अच्छा से, ये शेडिंग वाले कलर से कोई कलर दे देना आप लोग अपने अकॉर्डिंग। हाँ मैं ये वाला कलर देता हूँ, और टेक्स्ट कलर क्या रखते हैं, वाइट रख देता हूँ, वाइट क्योंकि दिखेगा, ये देख सकते हो। फिर इसी का कलर यहाँ पे रख देता हूँ मैं, कोई दूसरा कलर यहाँ पे डिजाइनिंग के लिए मैं ये वाला ग्रीन रख देता हूँ, और इसका फॉर्मेटिंग इसके जैसा चाहिए, यहाँ पर क्लिक कर दिया यहाँ पर, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो करना है आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लेना। फिर यहाँ से मुझे टू का टेबल लिखाना है टू, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, यहाँ तक तो सभी का बन जाएगा लगभग। फिर उसके बाद ये डाटा को सिलेक्ट करना है, यहाँ से क्या कर देना है, थिक बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। देख सकते हो यहाँ से हमारा टेबल बन के रेडी है, देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक टेबल बन गया है, एक कॉलम और आपको ऐड कर देना है कंट्रोल प्लस से, ताकि यहाँ हम लोग टेबल का डिज़ाइन कर सकें।
ये हमारा टेबल बन गया है। बस अब क्या करना है आपको, ये जो डाटा है इसको यहाँ पे कर्सर रखना है आपको, इक्वल टू बटन प्रेस करना है। इक्वल टू बटन प्रेस किए, ये जो टू है कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना है आपको, इंटर बटन दबा देना है। देख सकते हो जैसे इंटर लिखे, फिर इसी टू को क्या करना है आपको, ड्रैग कर देना है नीचे तक। क्या करना है, ड्रैग कर देना है टू के बाद, या यहाँ पे फिर से बता देते हैं, इक्वल टू लेना है, ये टू को सिलेक्ट करना है, इंटर कर देना है, और यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है ऐसे यहाँ तक आपको पूरा। समझ गए कैसे करना है, ये मेरे में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फिर से यहाँ पे आता हूँ मैं, इज इक्वल टू लेना है और ये टू को सिलेक्ट करना है, इंटर कर देना है, और उसके बाद क्या करना है, आपका नहीं आता है फिर से इज इक्वल टू सिलेक्ट करना है, ये वाले टू को इंटर कर देना है। अगर आप ऐसे करोगे तो इज इक्वल टू सिलेक्ट करना है ये वाले टू को, और यहाँ से F4 बटन कर दोगे तो सेल लॉक हो जाएगा, फिर इंटर करोगे तो फिर ड्रैग करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। नहीं तो आप वैसे करके ले लेना आप लोग, इक्वल टू करके टू खुद से देख सकते हो। यहाँ पे खुद से आपको लिखना नहीं है, खुद से लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा, खुद से लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा आपका। देख सकते हो इसको मैं एक बार हटा दे रहा हूँ, खुद से लिखोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। देख सकते हो यहाँ पे क्या करना है, इस वाले सेल का एड्रेस यहाँ पे देना है। देखो यहाँ पे इस वाले सेल का एड्रेस क्या है, इस वाले सेल का एड्रेस देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, H G6 लिखा है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या लिया, इज इक्वल टू G6, तो यहाँ पे इज इक्वल टू G6 इज इक्वल टू करना है आपको, और यहाँ पे टू को सिलेक्ट करना है, इंटर करना है, तभी आपका काम होगा। क्योंकि है ऐसा, ताकि यहाँ का अगर मैं 10 का टेबल नंबर लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक 10 10 आएगा। देख सकते हो यहाँ पे टेबल नंबर, जैसे मैं 20 का लिखा, इंटर किया, तो देख सकते हो 20 का आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका सेल का एड्रेस यहाँ पे दे रखा है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे गलती नहीं करना है आपको, 22 नहीं लिखना है, तो इसका सेल एड्रेस दिया है इसलिए। समझ गए, फिर यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, इज इक्वल टू करना है, ये टू को करना है सिलेक्ट, और इन टू करना है किसके साथ, ये वाले के साथ, फिर इंटर बटन दबा दिए। देख सकते हो फिर इज इक्वल टू किए, ये टू को सिलेक्ट किए, इन टू टू के साथ, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। तो समझ गया, उसी तरीके से आपको क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है कहाँ तक, यहाँ तक। लास्ट का एक बार निकाल देते हैं, इज इक्वल टू लिए, फिर से बताते हैं, टू को सिलेक्ट किए, इन टू किए, फिर किसको, 10 को किए, और इंटर कर दिए। देख सकते हो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, हमारा टेबल बन के रेडी है। टेबल को डिज़ाइन करने के लिए ऊपर को सिलेक्ट किया मैं, और यहाँ से थोड़ा शेडिंग कलर दे देना आप लोग, जो कलर करना है आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, फिर इसको फिर ये साइड को थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए आप लोग जैसा डिज़ाइन बनाना चाहो आप लोग बना सकते हो। फिर ये वाले को सिलेक्ट किया मैं, यहाँ से ये वाला कलर, फिर यहाँ से मैं ये वाला को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से ये वाला कलर। अगर आप लोग चाहते हो आउटलाइन कलर कुछ और देना है तो आप लोग आउटलाइन को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको कलर दे सकते हो यहाँ से। तो आप लोग समझ गए कैसे करना है, देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से रख दिया, इसको मैं थोड़ा सा इसको इधर खिसका देता हूँ। देख सकते हो मेरा टेबल बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग समझ गए ऑटोमेटिक टेबल कैसे बनाना है। यहाँ पे अगर मैं जो भी टेबल लिखता हूँ, यहाँ पे 15 का निकालना है 15 लिखा, देख सकते हो 15 आंसर है। 16 का निकालना है 20 का, 50 का, जितना का लिखना है ऑटोमेटिक टेबल आपका बनता जाएगा। टेबल नंबर जो भी टेबल नंबर यहाँ डालोगे, 90 डाला मैं, इंटर किया तो देखो 90 का आ गया। इस तरीके से ऑटोमेटिक टेबल बना लेना है, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके से सीखने के लिए। तो इसका प्रैक्टिस फाइल आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं इसका प्रैक्टिस फाइल, ताकि आप लोग डाउनलोड कर सको और प्रैक्टिस कर सको इस तरीके से टेबल कैसे बनाना है MS Excel में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।